वाले मारेंगे और ये हिंदू संगठन होगा ना तो सबको बाहर जाना पड़ेगा, यह हवा फैलाते हैं। पूरे भारत की प्रशस्ति कालिदास में ने भी लिखी है, गुरु नानक देव जी ने, श्रीमद शंकर देव जी ने, सुब्रह्मण्यम भारती ने, रवींद्रनाथ टैगोर ने, सब लोगों ने। आगे चल के लागू हो जाएगा, पुस्तकें भी तैयार हो जाएगी, पढ़ाने वाले भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन क्या हम अपने बच्चों को मातृभाषा माध्यम में पढ़ाने के लिए भेजते हैं? जनसंख्या बहुत कम हो गई तो फिर बढ़ना बंद होता है तो समाज के समाज लुप्त तो हो जाते हैं, भाषाएं लुप्त तो हो जाती है। कितनी भाषाएं दुनिया की, बोलने वाले नहीं रहे, भाषाएं समाप्त हो गई। अब कई बार हम लोग मातृभाषा माध्यम, हमारे बच्चे अपनी भाषा को भूल रहे, आजकल लोगों को समझ में नहीं आता, तकरार करते, ये भी कहते हैं नीति में चाहिए। अब नई शिक्षा नीति आई, उसके तहत उच्च शिक्षा तक धीरे धीरे मातृभाषाओं का आगमन हो रहा है। आगे चल के लागू हो जाएगा, पुस्तकें भी तैयार हो जाएगी, पढ़ाने वाले भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन क्या हम अपने बच्चों को मातृभाषा माध्यम में पढ़ाने के लिए भेजते हैं? मातृभाषा की चर्चा तो हम बहुत करते हैं, क्या सब जगह अपने हस्ताक्षर हम अपनी मातृभाषा में करते हैं? क्या हमारे घर पर जो नाम फलक टंगा है, नेम प्लेट, उस पर हमने अपना नाम, अपने कुल का नाम मातृभाषा में लिखा है? समाज जब तक सहयोग नहीं करता, व्यवस्था यशस्वी नहीं होती केवल। और सामाजिक स्तर पर कम से कम मंदिर, पानी, स्मशान सबके लिए एक हो। छोटी मोटी बातों को लेकर आपस में झगड़ा ना हो, ये घोड़ी चढ़ सकता और वो घोड़ी नहीं चढ़ सकता, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें अब समाज के आचरण से चली जाए, इसका प्रयास करना पड़ेगा। ये प्रयास समाज में होगा, हम सब लोग करेंगे, संघ के स्वयंसेवक करेंगे, समाज के सुबुद्ध नागरिक करेंगे, तब तो विषमता का निर्मूलन होगा और आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने वाली सामाजिक स्वतंत्रता का लाभ हमको होगा। और 2.1 ऐसा एवरेज संतान, हमने उसको इतनी अच्छी तरह लागू किया, दुनिया को भी ये उम्मीद नहीं थी, वो आश्चर्य कर रही है। उससे भी नीचे हम आ गए 2 तक। लेकिन बहुत नीचे आना भी गड़बड़ होता है, क्योंकि घर के बच्चों को सामाजिक व्यवहार का प्रशिक्षण परिवार में मिलता है। परिवार में संख्या चाहिए, अपने बराबरी के भी 2-3 लोग चाहिए, ऊपर के भी चाहिए, नीचे के भी चाहिए। तो सबसे बात कैसे करना, सामाजिक संस्कार कैसे होता है, अपने अहंकार को कैसे संयमित करना पड़ता है, ईगो मैनेजमेंट कैसी करनी पड़ती है, ये सारी बातें सीखनी पड़ती है। उसके लिए परिवार की संख्या भी चाहिए। और जनसंख्या बहुत कम हो गई तो फिर बढ़ना बंद होता है तो समाज के समाज लुप्त तो हो जाते हैं, भाषाएं लुप्त तो हो जाती है। कितनी भाषाएं दुनिया की, बोलने वाले नहीं रहे, भाषाएं समाप्त तो हो गई। जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है, वहां घुसपैठ से भी ये होता है। उस संतुलन का भी ध्यान रखना देश हित की दृष्टि से अनिवार्य बात है। सौभाग्य से भारतवर्ष में इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने सारे पंथ संप्रदाय हैं, विदेशों के आक्रमण के कारण भी कुछ संप्रदाय हमारे यहां बन गए, हमारे ही लोग उस संप्रदाय में हैं, उनकी पूजाएं, पंथ संप्रदाय विदेशी है, वो यहां के हैं, कुछ दशकों पूर्व पूर्वज उनके वही थे जो हमारे। इतने सारे खान पान रीति रिवाज है, इतने प्रांत है, इतने सारे प्रकार है लोगों के, तो स्वार्थ भी अलग अलग हो जाते हैं। फिर भी सदियों से हमारा राष्ट्र जीवन का एक सनातन अक्षुण्ण प्रवाह चला है। भारत का अस्तित्व सदा रहा है, व्यवस्थाओं की भी विविधता रही, राज्य भी अनेक रहे, लेकिन सदैव भारत रहा, भारत एक रहा। पूरे भारत की प्रशस्ति कालिदास ने भी लिखी है, गुरु नानक देव जी ने, श्रीमद शंकर देव जी ने, सुब्रह्मण्यम भारती ने, रवींद्रनाथ टैगोर ने, सब लोगों ने। बाकी किसकी पूजा करना, किधर पैर करके सोना, कौन सा कपड़ा पहनना, कब क्या खाना पीना, आचार धर्म है, देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलता है। जो चलता है वो रखो, जो बदलना है वो बदलो, परंतु जो भी करोगे, जिस किसी नाम रूप से करोगे, वो सत्य होना चाहिए। भारतवर्ष की चतुस्सीमा में रहने वाला जो अपने आप को भारत का मानता है, उन सब की ये विरासत है। ये विचार हिंदू राष्ट्र का विचार है, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि वो है हिंदू राष्ट्र का, यही विचार है, इसलिए हम कहते हैं हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। हम अपनी स्पष्टता के लिए इस शब्द पर पक्के रहेंगे, इसका उपयोग करेंगे। हम किसी को डराने वाले नहीं है। ना भय देत काहू को, ना भय जानत आप, ऐसा हिंदू खड़ा करने का हमारा प्रण है। वो काम हम करते हैं। हम विश्व में सर्वत्र और सबके साथ भाईचारा, भद्रता और शांति के पक्ष में सदा रहे। लेकिन लोग डरा दे, अरे संघ वाले मारेंगे, और ये हिंदू संगठन होगा ना तो सबको बाहर जाना पड़ेगा, ये हवा फैलाते हैं। ऐसा कुछ डर मन में है, और है इसलिए उसका निराकरण करने की इच्छा मन में लेकर तथाकथित अल्पसंख्यक समाज के कुछ बंधु पिछले वर्षों में हमसे मिलते रहे हैं, और हम भी मिले हैं, हमारे प्रमुख अधिकारी उनसे मिले हैं। आना जाना दोनों चल रहा है, ये कोई परसों नहीं हुआ, ये बहुत पहले से चल रहा है, और संघ इस संवाद को कायम रखेगा।